थोप दिया उस कांग्रेस को, न कुछ ने चबाने और वो न कुछ ने, केवल आप चबा सकते हो, केवल आप चबा सकते हो। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा विधानसभा का चुनाव हो चुका है, चुनाव का परिणाम आ चुका है, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार बन चुकी है। 17 अक्टूबर को अब सरकार शपथ लेगी। नायब सिंह सैनी संभवतः, हालांकि वो तय है नाम उनका लगभग, लेकिन एक फॉर्मेलिटी है कि जब विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल की बैठक के अंदर उनका नाम तय किया जाएगा, तो नायब सिंह सैनी और उनके साथ में हरियाणा की सरकार शपथ लेगी। भारतीय जनता पार्टी में इस समय कहें तो उत्सव का माहौल है, आनंद का माहौल है, उल्लास का माहौल है, पर्व का माहौल है, एक तरह से दीपावली मन रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस है, कांग्रेस के अंदर इस समय अगर हम कहें तो मैंने आपको अपने कई वीडियोस में एक बात कही है कि कांग्रेस के अंदर इस समय हाहाकार है, कांग्रेस के अंदर क्षोभ है, गुस्सा है, परेशानी है, हताशा है, निराशा है, कुंठा है कि आखिर हुआ क्या। तमाम लोग इसके अनुमान लगा रहे हैं कि कांग्रेस की हार के कारण क्या रहे। दोस्तों मैंने भी कांग्रेस की हार के अपने कुछ साथियों के साथ बातचीत के बाद में और कुछ बड़े पत्रकारों के साथ, कुछ राजनीतिक विश्लेषकों के साथ, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखने लोगों वाले लोगों के साथ में बातचीत की और उसके आधार पर हमने भी ये निकाला कि कांग्रेस की हार के कारण क्या रहे, जिसमें मैं पहुँचा उन 5 प्रमुख कारणों पर कि जो कांग्रेस की हार के कारण रहे। आपसे चर्चा करूँगा लगातार 5 वीडियोज़ में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कांग्रेस की हार का पहला कारण और प्रमुख कारण। वीडियो के शुरू में ही बता दें कि कांग्रेस की हार का एक बड़ा और प्रमुख कारण दलित वोटों का बंटवारा। आपको बता दें कि लोकसभा का चुनाव हुआ था, 25 मई को हरियाणा के अंदर लोकसभा चुनाव की वोटिंग हुई थी। हरियाणा के साथ इसके साथ साथ 6 चरणों में पूरे देश में चुनाव हुआ था। न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश के अंदर एक बात चली थी कि दलित मतदाताओं ने कांग्रेस के लिए कंसोलिडेट होकर के मतदान किया। पूरी तरह से दलित मतदाता कांग्रेस की तरफ अग्रसर था और कांग्रेस को उन्होंने वोट किया। परिणाम ये निकला कि अकेले कांग्रेस ने 99 सीटें जीत ली और हरियाणा में 5 सांसद बन गए। हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा के अंदर दलित प्लस जाट प्लस मुस्लिम, इन मतदाताओं ने ऐसा समीकरण बनाया था कि गुरुग्राम जैसी लोकसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को पसीने आ गए थे। अब जब विधानसभा का चुनाव चला तो विधानसभा चुनाव, उसकी चुनाव की घोषणा और उससे 15 दिन पहले मैं आपको ले चलूंगा। जो राजनीति में रुचि रखते हैं या जो पॉलिटिकल घटनाक्रम देखते हैं उन्हें ध्यान होगा कि 1 अगस्त को एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में एक बात थी कि जो SC यानी कि दलित समाज को, शेड्यूल कास्ट को जो रिजर्वेशन मिलता है, आरक्षण मिलता है, उस आरक्षण के अंदर वर्गीकरण को, वर्गों को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि ये राज्य सरकारें तय कर लें। जिन लोगों को ध्यान हो, जो पुराने लोग होंगे या जिनकी राजनीतिक बातों में रुचि होती है, मैं जो पहले आपसे कहा, तो एक वो दौर था हरियाणा के अंदर जब SCA और SCB यानी कि जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन होता था, ST के लिए रिजर्वेशन होता था, उसको 2 वर्गों में बांटा गया था, SCA और SCB। SCA के अंदर अगर आप कहें तो लगभग 40 जातियां और उपजातियां आती हैं जिनके अंदर वाल्मीकि है, धानक है, खटीक है, कोरी है, कबीरपंथी हैं, जुलाहे हैं, बावरिया हैं, सेंसी हैं, ये तमाम जातियां हैं। लगभग 40 जाति उपजाति हैं जो SCA में आती हैं। और SCB में आती हैं तो फिर वो रविदासिया हो गए, यानी कि जाटव जिनको कहते हैं, और उनके साथ में 3-4 उपजातियां और। जब सुप्रीम कोर्ट में बात गई तो उसके पीछे कहा यह गया कि आरक्षण का जो फायदा, यानी कि SCA और SCB को जो मर्ज कर दिया गया, केवल शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन हुआ, उसका फायदा SCB को मिला, ज़्यादा फायदा रविदासिया समाज को मिला और SC और DSC को अलग कर दिया गया। अब सोशल मीडिया पर अगर जाकर के देखें, आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर देखें, तो आपको DSC के नाम से अभियान चलाने वाले आपको 50 पेज मिल जाएंगे। फेसबुक पर ऐसी 50 प्रोफाइल मिल जाएंगी जो मिशन DSC पर चल रही हैं। 1 अगस्त को फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, DSC समाज के प्रतिनिधि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पास भी गए और नायब सिंह सैनी के पास भी गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कहा गया DSC समाज द्वारा कि भाई हमें जो है SCA और SCB के अंदर कैटेगरी करके आप आश्वासन दें कि ये होगा। हुड्डा साहब ने बात नहीं मानी। इसके लिए भी आपको एक बार पीछे जाना होगा।
आपको पीछे जाना होगा कि 1996 और 1998, 99, 2000 तक ये व्यवस्था थी। 2000 के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार बनी, तब भी व्यवस्था थी SCA, SCB, BCA, BCB। उसके बाद ये मामला कोर्ट में गया था, कोर्ट में सुनवाई हुई। और इधर हरियाणा के अंदर जो सरकार बनी कांग्रेस की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनी, उस समय पर SCA और SCB को विभाजित करने का फॉर्मूला खत्म हो गया। रिजर्वेशन जो मिलता था सीधा SC को मिलता था, शेड्यूल कास्ट को। ST हरियाणा में है नहीं, शेड्यूल कास्ट को जो रिजर्वेशन मिलता था, यहीं से ही विरोधाभास शुरू हुआ। दलित समाज के दोनों हिस्सों में, एक SC समाज और एक DSC समाज, उनके अंदर ये विरोधाभास हुआ कि हमारे जो राइट्स हैं, हमारे अधिकार हैं, नौकरियों के अंदर या एडमिशन्स के अंदर, कॉलेजों में दाखिले, विश्वविद्यालयों में दाखिले, उसका ज़्यादा फायदा मिल जाता है SC समाज को, DSC पिछड़ जाता है। SC माने तो जाटव समाज, खासकर रविदासिया समाज। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि पूरे हरियाणा के अंदर लगभग 21% शेड्यूल कास्ट मतदाता हैं, SC मतदाता, यानी कि जिन्हें पूरा दलित कहा जाएगा। और जब उसको विभाजित करते हैं तो लगभग 8% से थोड़ा सा कम ये SCB है, और लगभग 13.5% के आसपास SCA मतदाता है। SCA के दो बड़े नेता आप समझ लें कि कृष्णलाल पवार जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो SCB, हरिंदर राम रतन SCB, और SCA के नेता अगर देखें तो कृष्ण बेदी SCA। आप इसे कुछ यूं भी बांट सकते हैं। जो मैं आपको बता रहा था कि 1 अगस्त को जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी मिले और नायब सिंह सैनी से भी मिले। नायब सिंह सैनी ने DSC समाज से कहा, भाई अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम इसको कोटे में कोटा, यानी कि आपकी जो वर्गीकरण की व्यवस्था है, इसको मंजूरी देंगे, SCA और SCB को राइट्स मिलेंगे। इसके साथ ही लामबंद होता गया SCA समाज, DSC समाज, मिशन DSC के नाम से सोशल मीडिया का जो मैं आपको बता रहा था चलते रहे। और आप भी ये दृश्य देखें, ये 3 अक्टूबर का है, लाडवा में नायब सिंह सैनी के समर्थन में रैली हो रही थी DSC समाज की, और DSC समाज के लोग वहां पर कह रहे थे कि सौगंध लें, कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। आप सुनिए इसको। तक भी आपकी आवाज आए, अपने रिश्तेदारों में, भाईचारे में हाथ जोड़ के बोलना कि कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। दर्द है समाज के लोगों, जिस कांग्रेस सरकार ने, जिस कांग्रेस पार्टी ने हमारे बच्चों का निवाला हमसे छीन लिया, जिस कांग्रेस पार्टी ने हमारे बच्चों पे की पीठ में खंजर घोंप दिया, उस कांग्रेस को ना कोचने चबाने, और वो ना कोचने केवल आप चबा सकते हो, केवल आप चबा सकते हो। और आज मैं ये मंच ऐलान करता हूं कि हम एक एक वोट, और सुन लो नायब सिंह सैनी, आपने वादा किया है समाज से, और मैं वैसे नहीं बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने और मनोहर लाल खट्टर ने जींद की इसी ऐतिहासिक भूमि में संत कबीर जयंती पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने से पहले ही आपको शिक्षा में करके दिया है। आज आपके बच्चों को JBT में, OT में, BEd में, इंजीनियरिंग में, डॉक्टरी में, PG कोर्सेज में एडमिशन मिल रहे हैं। और जिस सरकार ने हमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने से पहले ही आधा हक दे दिया, और मुख्यमंत्री से 3 सत्र की वार्ता हमारी हुई है, और मुख्यमंत्री ने, मैं झूठ नहीं बोलता, अगर झूठ बोलूं तो यही पे दफन हो जाऊं, समाज के लोगों को त्याग और बलिदान और कुर्बानी की है, कभी कुछ नहीं मांगा। मुख्यमंत्री ने रोहतक के अंदर 1 घंटा हमारी बात हुई नायब सिंह सैनी से, और मुख्यमंत्री ने एक टांग पे खड़ा होकर के कहा था, मुख्यमंत्री ने कहा था नायब सिंह सैनी ने हमारे सामने 16 लोगों के बीच में, कि आप स्वदेश जी कबीर साहब, मैं कबीर साहब की कसम खाए कहता हूं, सरकार बनते ही पहली कलम से आपका DSC बहाल करूंगा। मैं इसलिए आपसे हाथ उठा करके आपसे प्रण करवाया कि आप एक एक वोट अब की बार BJP को देंगे। और फिर सुन लो, अगर BJP ने भी फिर
अगर बीजेपी ने भी फिर हमारे साथ धोखा किया तो फिर बीजेपी का भी नहीं छोड़ेंगे हम, ये भी हम कर... ऐसे सैकड़ों आपको भाषण मिल जाएंगे, ऐसे सैकड़ों आपको विजुअल्स मिल जाएंगे, ऐसे फोटोज मिल जाएंगे जिससे पता लगता है कि डीएससी समाज लामबंद हुआ था, डीएससी समाज लामबंद हुआ और उसका नुकसान उठाना पड़ा कांग्रेस को। ये रणनीति का हिस्सा होता है, ये भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार थे उनकी रणनीति पहले से तय थी और जिसको कांग्रेस के लोग समझ नहीं पाए, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यहां पर चौधरी उदयभान, कांग्रेस के अंदर और कई बड़े पदों पर जो नेता वो एससी समाज के, और दूसरी तरफ डीएससी समाज का मतदाता लामबंद होता गया। इधर अगर एससी समाज की बात आती है, जाटव समाज की बात आती है, रविदासिया समाज की बात आती है, तो फिर कुमारी सैलजा के साथ हुआ व्यवहार, कुमारी सैलजा के साथ जो व्यवहार हुआ वो जाटव समाज को काफी खला और उसका परिणाम आप पलवल से लेकर, होडल से लेकर और पूरे हरियाणा के विधानसभा क्षेत्रों में देख सकते हैं, जिसके अंदर की जाटव समाज ने भी अपना वोट देने में कांग्रेस को कंजूसी बरत दी। ये दूसरा कारण। और एक और प्रमुख कारण दलित समाज के बंटने का, जिसमें कि दलित समाज का बंटवारा हो गया, जो मैं आपको बता रहा था कि 1 अगस्त के बाद से लेकर के और सारा जो घटनाक्रम चला, उस सारे घटनाक्रम के अंदर डीएससी समाज के बड़े नेताओं के साथ में बैठकों के दौर लगातार जारी रहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, जिसको कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस का आला कमान वो समझ नहीं पाया। और कह सकते हैं कि ये कांग्रेस के नेताओं का ओवर कॉन्फिडेंस था जो उनको ये शक में रखे हुए था कि उनकी पूरे हरियाणा में लहर चल रही है। उसका परिणाम ये हुआ कि जिस दलित समाज ने, यानी कि जो शेड्यूल कास्ट वोटर था, एक बात आपको वीडियो के समाप्ति में एक बात और जोड़ दें कि एससी और डीएससी में, डीएससी में यानी कि जो एससी ए और एससी बी के अंदर जो वर्गीकरण की समस्या की बात, और उनके अंदर ये बात आई कहां से। मेरी एक डीएससी समाज के एक बड़े नेता से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि हमारे समाज को, यानी कि डीएससी समाज को, यानी कि एससी ए जिसके अंदर धानक, वाल्मीकि, सैंसी, जो आपको बता रहा था मैं सारी लगभग 40 जातियां, उनका ये कहना था कि अगर बिहार की बात आती है तो फायदा पासवान ले जाते हैं, अगर बात आती है उत्तर प्रदेश और हरियाणा की तो यहाँ पर फिर रविदासिया इनको फायदा मिलता है, अगर यही बात पहुँच जाती है राजस्थान के अंदर, वहाँ एसटी का आरक्षण है तो उसका एसटी का सारा फायदा मीणा को मिलता है। और ये वाली बात जो थी, ये समाज के दो वर्गों के अंदर कहीं बड़ी खाई बनती गई, और इस खाई को जिसको पहचान नहीं पाए कांग्रेस के लोग और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने बड़े अच्छे से समझ लिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि एससी ए का मतदाता, जिसकी संख्या 14% के आसपास है, 13.5 और 14%, वो मतदाता पूरी तरह से कंसोलिडेट हुआ भारतीय जनता पार्टी की तरफ, बीजेपी को मतदान किया और कांग्रेस यहाँ पर चूक गई। एक बड़ा कारण ये मैंने पहले वीडियो में आपको बताया कि कांग्रेस की हार का बड़ा कारण ये रहा, दलित वोटों का बंटवारा। आप मेरी बात से कितना सहमत हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।